ये लो पकड़ो। बाहर आ बलू, उस तरफ जंगल आ रहा है। बचाओ, मेरे पैर फंस गए हैं। जल्दी आओ बघीरा। अब आओ भी। शुक्रिया मोगली, मेरी जान बचाने के लिए। और तुम तो आज मरवा ही देते बघीरा। वही तो बघीरा, तुम मदद करने क्यों नहीं आए? मैं चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें पानी से परहेज है, पर तुम्हारे दोस्त की जान खतरे में थी। नहीं, परहेज की बात नहीं है मोगली, मुझे पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है? तुम्हें अजीब लग रहा है पर मैं पानी से हमेशा घबराता हूँ। शायद तुम मेरी मदद कर सको। करना तो चाहते हैं पर पता नहीं कैसे करें, समझ में नहीं आता। मुझे इसका एक ही तरीका लगता है बघीरा, पानी में उतर कर ही पानी का डर भागेगा। मेरी नदी में मुझे ही बांध दिया, छोड़ूंगा नहीं इंसानी बच्चे को। चलो आओ बघीरा, ये बिल्कुल भी गहरा नहीं है। हाँ पता है, पर तुमने हमारी मदद मांगी थी, अब हमारी बात मानो बघीरा। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ। माफ करना, मुझे हिम्मत जुटानी होगी। बहुत अच्छे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अब क्यों ना थोड़ा सा आराम किया जाए। सही कहा बघीरा। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ये बताओ, आखिर तुम पानी से इतना घबराते क्यों हो? वो मैं छोटा था तब डूबते डूबते बचा था। जान छूटी। तुम घुस बैठी है, हमारे घर उजाड़ दिया तुमने। हंसते खेलते परिवार का सुख चैन छीन लिया जुल्मी कहीं के। क्या बक रहे हो तुम दोनों? मिल गई सजा, आज के बाद हमारे इलाके में आने की जरूरत मत करना। क्या सोच रहे हो बघीरा, तुम पहले भी ये कर चुके हो, चलो फिर से करो। हाँ हाँ मोगली, थोड़ा सब्र तो करो। जितना रुकोगे उतना तुम्हारे लिए ही मुश्किल होगा बघीरा। हाँ बात तो सही है। ये बात, चलो चलो अब थोड़ा और अंदर जाने की कोशिश करो। कहीं मैं बहता ना चला जाऊं। उसके लिए एक आइडिया है, ये लो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। बहुत अच्छे, अच्छा कर रहे हो। बस हो गया, कुछ और काम करें।
घबराने वाली कोई बात नहीं है बघीरा। मैं तैर नहीं रहा हूँ। कमाल कर दिया बघीरा, पर मुझे डर लग रहा है, मुझे निकालो यहाँ से। अब कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें बघीरा के दिल से डर निकालना होगा। बस खुद से एक बात कहते रहो, अरे ये तो सिर्फ पानी है, मैं इससे नहीं डरता, मैं तो आराम से जाऊंगा, देखना डर भाग जाएगा। देखो बहुत मजा आता है। देखा ना, अब तुम्हारी बारी। अच्छा चलो मिलकर कूदते हैं, ठीक है? मैं भी। मुझे नदी का रास्ता बता सकती हो? नहीं नहीं, मुझे मत खाना। चाहो तो ये मेरी बेरीज खा लो। अरे नहीं, मुझे तो नदी में जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। मैं तो खामखा डर रही थी। तो चलो, एक दो तीन कूदो। माफ करना, शायद ये डर कभी नहीं जाएगा। सही है, बस आगे बढ़ते रहो। नदी आ गई। शुक्र है, अब मेरी नाक से उतर जाओ। अब उस इंसानी बच्चे और उसके दोस्तों को मजा चखाऊंगा। इंसानी बच्चा यानी मोगली? पर उसे मजा क्यों चखाओगे? वो तो उसे ही पता है। मोगली, मोगली। तो ठीक है, एक दो तीन कूदो। देखा, आया ना जिंदगी का मजा? हाँ थोड़ा बहुत तो आया। मोगली, मोगली, वो जकाला तुम्हें मजा चखाने आने वाला है। क्या? मुझे बाहर निकालो, बचाओ बचाओ, बाहर। तुम भी कितना रो रहे हो बघीरा, अभी तो बहुत दूर है। शुक्रिया डाजी, ये तो मेरा फर्ज था, अब मैं जा रही हूँ बेरीज खाने। घबराओ मत बघीरा, हमें कुछ नहीं होगा, याद रखना ये सिर्फ पानी है और हम पानी से बिल्कुल भी नहीं डरते। हाँ सिर्फ पानी है, मैं पानी से नहीं डरता, सिर्फ पानी है, पानी से मैं नहीं डरता, लेकिन मगरमच्छ से बहुत डरता हूँ। अरे रे, मेरे लिए तो रुको। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से। मुझे निकालो, मैं फिर से कीचड़ में फंस गया हूँ। ओहो, फिर से नहीं। बलू, लो इसे लपेट लो। आखिर तुम कर क्या रहे हो बघीरा? मैं नहीं डरता, ना पानी से और ना ही मगरमच्छ से। यहाँ इस तरफ आओ। मोगली, जब मैं कहूँ तब खींचना। मोगली चलो खींचो। तो
छोड़ो मुझे जाने दो। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा अचार थोड़े ही डालेंगे। क्या बात है, मान गए तुम्हें बघीरा। हाँ क्या बहादुरी दिखाई तुमने। और नहीं तो क्या, अब तो तुम्हारे मन से पानी का डर भी निकल गया। हाँ वो तो है, पर पानी में कोई और होता तो उसे बचाने के लिए मैं इतना जोश नहीं दिखा पाता। शुक्र है आज वो हाथी के बच्चे यहाँ खेलने नहीं आए। जब देखो तब धमक पड़ते हैं, उधम मचाते हैं। और ये क्या है, कल तो ये यहाँ नहीं था। ओह, इससे तो बदबू आ रही है। मुझे बाकियों को इसके बारे में बताना होगा। बल्लू, बघीरा, हमारे जंगल में कुछ हरे पेड़ दिख रहे हैं जो कल तक तो नहीं दिख रहे थे। इसमें चौंकने वाली क्या बात है, हमारा तो पूरा जंगल हरा हरा है। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसे समझो बघीरा। चलो जरा हमें भी तो दिखाओ अपने ये हरे पेड़ की, तुम्हारी बात और अच्छे से समझ में आएगी। हाँ क्यों नहीं बलू, मेरे पीछे आओ। देखा बघीरा, हरे पेड़। मैंने क्या कहा था? हाँ वही तो, बड़े अजीब लग रहे हैं। मैंने ऐसे पेड़ अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। ये तो फफूंद है। बड़ी गंदी बदबू है। फफूंद मतलब बलू? ये पेड़ों पर होने वाला संक्रमण होता है मोगली। इससे नुकसान होता है? अगर ये इतनी तेजी से फैल रहा है तो भारी नुकसान कर सकता है। अगर सभी पेड़ों पर ऐसी ही फफूंद लगी रहेगी तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। हमें इसी वक्त सभा बुलानी चाहिए। अब पेड़ों पर लग रही फफूंद के बारे में हमें कुछ सोचना होगा। जकाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ करो वरना फफूंद मेरे इलाके को तबाह कर देगी। घबराओ मत, मुसीबत के वक्त मैं खाना पीना भूल जाता हूँ। इस हरी फफूंद ने तो मेरे भी दिमाग की घंटी बजा दी है। घोंसले वाले पेट पर भी फफूंद लगी है। इससे मेरी त्वचा और सूख रही है, मेरी खुजली बढ़ती जा रही है। बलू, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। मैं जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहती। और मैं भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। इसका कोई तो इलाज होगा दोस्तों, जिसे हम पेड़ों पर छिड़क सकें और उस फफूंद को हटा सकें। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है अकेला, और पता नहीं ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। मैंने पहले भी ऐसी ही फफूंद कहीं देखी है, पर याद नहीं आ रहा है कहां देखी थी और कब। मैंने तो सुना था हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, पर इसकी बड़ी कमजोर है। याद आ गया, तुमने भी ये देखा है गजिनी, ये हरी फफूंद इंसानी जंगल के पेड़ों पर लगी थी जहाँ हम काम किया करते थे। हाँ हाथी, तुम्हें तो बहुत पुरानी बात याद है। तो इंसान उन पेड़ों का क्या करते थे, उन्हें काट देते थे क्या? नहीं, पेड़ों को काटा नहीं जाता था, पर वो उनमें कुछ अलग करते थे। वो याद करने की कोशिश करो ना। वो पेड़ों पर कोई तेल लगाते थे। क्या तेल, कैसा तेल? वो बहुत ही गाढ़ा तेल होता था। क्या वो काम करता था, उससे फफूंद फैलना बंद हो जाती थी? सच कहूँ तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। हमें ये तेल ढूंढना होगा, शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा है। तुम्हें उस तेल का नाम याद है? क्या वो कोको तेल था? नारियल का तो नहीं था? अरे नहीं, वो जिस पेड़ का तेल था उसी से उसका नाम था। ताड़ का तेल? देवदार का तेल। अरे हाँ, यही वाला था। देवदार का तेल, मैंने ये सुना है। बचपन में जब मैं राजमहल में रहता था तो इसका इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए करते थे। उसकी अजीब सी महक होती है,
बहुत ही तेज खुशबू वाला होता है। एक दिक्कत है, देवदार के पेड़ हमारे जंगल में नहीं होते। अगर इंसान देवदार के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें इंसानी गांव से मिल सकता है। तुम ये तेल ढूंढ सकते हो बघीरा? हाँ, अगर इंसानी गांव में होगा तो मैं खुशबू से पहचान लूंगा। मेरे पास एक प्लान है, बघीरा और मैं इंसानी गांव में जाएंगे और तुम दोनों यहाँ की तेल मिलने के बाद हम उसे नदी में छोड़ देंगे जहाँ से चील उसे देख सके, और चील तुम्हें इशारा करेगा कि तेल तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है। बलू, मैं इंतजार करूंगा मोगली, अब चलो। यही तेल है? नहीं, ये शराब है। ओ छी, ये क्या है बघीरा? पता नहीं चल रहा। ये है मुगली, ये वाला, इन सब में वही तेल है। हाँ वही है। पर हम तो दो ही ले जा सकते हैं बघीरा। तुम्हारी बारी बघीरा। हा? बघीरा, बचाओ बचाओ, तेंदुआ आया है, अंदर तेंदुआ घुसा है, जल्दी आ जाओ। वहां अंदर जाने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा। बस जल्द ही तेल आता होगा। पता नहीं मोगली किस तरह तेल भेजेगा, इसीलिए हमें एक एक चीज जांचनी चाहिए। छुपने का कोई फायदा नहीं है, बचकर नहीं जा सकता। वहाँ ऊपर कौन है, देखो जल्दी बघीरा। वो देखो बच के आ जा पास। तेल कहाँ है? चील का इशारा। आगे जाकर देखो नदी में आगे क्या चल रहा है जकाला। जकाला, हमने कर दिखाया बघीरा। सब तुम्हारी वजह से हुआ दोस्त। चलो काम पर लगे। कुछ मत छोड़ना, हर हिस्से पर तेल लगाना। अगर ये तेल कम पड़ गया तो क्या करेंगे मोगली? फिक्र मत करो, वहाँ ऐसे बहुत से डिब्बे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता उस वाक्य के बाद वहाँ कोई दोबारा जाना चाहेगा। हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगा बलू।
ये बात, एक बार फिर हमारा जंगल पहले जैसा हो गया। हाँ, अब कुछ बर्बाद नहीं होगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ मोगली। नहीं रक्षा, इस काम को किया है बघीरा, अकेला, हाथी, गजनी, चील, इकी, डाजी और तुमने रक्षा और बलू ने। इतने काम के बाद मुझे भूख लग गई है। घबराओ मत, मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ। तुम्हारा शुक्रिया जकाला, तुम्हारे बिना ये काम नामुमकिन था। अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मोगली सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बघीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक,